स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जे टेट मैथ का सीरीज का ये चौथा वीडियो संख्या पद्धति का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। 25 क्वेश्चन करा चुके हैं, ना देखूँ तो पीछा वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट एक बना हुआ है जे टेट मैथ करके। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक करते हैं। जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है उस पर 60 जोड़ा जाता है, तो बोले हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कोई संख्या या कोई नंबर, तो कोई मतलब कितना पता नहीं, तो पता नहीं तो एक्स मान लेना है। अब बोला है इसमें 60 जोड़ा जाए, तो एक्स में जोड़ देना है 60, एक्स प्लस 60 हो जाए, जोड़ा जाए तो जोड़ दिए। तब नई संख्या जो है मूल संख्या का 400% हो जाता है। तो ये जोड़ने से कितना होता है, तो होता है को जो लिखना है तो बराबर के बाद लिखना है। तो मूल संख्या, तो मूल संख्या को एक्स माने, जो ओरिजिनल संख्या जो माना उसको, उसका 400% हो जाता है। तो एक्स माने हर एक्स का 400% बोला है, तो लिख देना है एक्स का 400% बस। तो मूल संख्या याद कीजिए, यानी वो जो संख्या है वो कितना होगा, तो बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो गया x प्लस 60, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी x कॉमन में गुना होता है 400 और परसेंट मतलब 100 नीचे, तो 2 0 से 2 0 कटा, तो 4 और x गुना होगा, 4x हो जाएगा। 4x को अगर इधर ले आए तो 3x होगा घट के, है ना। चलो एक बार लिख दे रहे हैं, माइनस में हो जाएगा 4x, और ये 60 उधर जाएगा, उधर ये माइनस हो जाएगा, तो 4 में 1 घटेगा, तो 3x माइनस बड़ा में है इसीलिए माइनस 60 इधर, तो माइनस से माइनस कटा, 3 2 6 और 0, तो x बराबर आ गया 20, आंसर हो गया। मूल संख्या जो था वो 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। उसी तरह 27, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों का संख्या, कैसे संख्या है, दो अंक का, ठीक है। तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 हो और दहाई और इकाई का अनुपात 1 क्या बोला क्वेश्चन, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 हो, अंतर 4 है, अंतर कितना है 4 है, और बोला है दहाई और इकाई का अंकों का अनुपात 1:3 है। दहाई और इकाई का जो अनुपात है वो 1:3 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से समझिए, दहाई और इकाई का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात, अनुपात को पहले लिखना होगा, अनुपात कितना है 1:3, इकाई और दहाई दोनों का अनुपात, अच्छा दहाई और इकाई का अनुपात लिखा ले, क्या लिखा ले, दहाई पहले है तब इकाई, दहाई और इकाई का अनुपात, ठीक है, दहाई और इकाई का अनुपात दिया हुआ 1:3, मतलब देखो दहाई पहले लिखा ले माने दहाई का 1 होगा, ठीक है, तो दहाई को मानना होगा, दहाई को 1, और अनुपात रहे तो एक्स लगा देते हैं, तो 1x हो जाएगा, ठीक है, और इकाई का होगा, इकाई जो है इकाई वो 3 है और अनुपात में तो एक्स लगा देना है 3x, तो इकाई जो है उसको मान लिए 3x और दहाई को मान लिए x, ठीक है, 1x मतलब x। उसके बाद बोला है दोनों अंकों के, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, अंतर 4 है अंकों का, तो अंतर मैंने घटा होता है, तो 3x एगो अंक है और एगो एक्स है खाली, 1x, तो अंतर, अंतर मैंने घटाओ तो घटाओ कितना है 4 है, तो लिख देना 4, देखो 3 में 1 चल गया, तो 2x बराबर हो गया 4, अब ये कटेगा 2 2 4, तो x बराबर हो गया 2, ठीक है, x2 हो गया। फिर बोला है संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, तो x2 आया, लेकिन संख्या अभी पूरा नहीं आया, x2 आया, तो x किसको माने हैं, दहाई को, तो दहाई हो गया, दहाई 2 हो गया, और इकाई किसको माने हैं, इकाई है 3x, तो 3 और x आया 2, तो 3 2 6, तो इकाई दहाई दोनों आ गया, इकाई 6 दहाई 2, तो बोला दोनों का जोड़ कितना होगा, दोनों का अंकों का योग, तो योग माने 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो अनुपात में जब भी रहे, देखो जब भी अनुपात में रहे एक्स एक्स लगा देना है, और यहाँ दहाई इकाई लिखा ले माने एगो दहाई का है एगो इकाई का है, तो दहाई का पहला वाला 1x हो गया, इकाई का 3x, बोला दोनों को घटाने से, तो घटा दिए 4 होता है, तो लिख दिए 4 होता है, घटाएं तो एक्स आया 2, तो एक्स 2 आया मतलब दहाई हो गया 2 और इकाई हो गया 2 3 2 3 6, तो बोला है दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 2 और 6 जोड़ दो ना 8 होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उसके बीच के अंतर का 25 गुना है, यदि किसी एक संख्या का 75% 80 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखो दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, तो इसमें
उसका योग जो है उसके बीच के अंतर का 25 गुना है बोल दिया। दो गो संख्या है उसका योग माने जोड़, उसके घटाव के 25 गुना है, तो इसमें दो गो मानना पड़ेगा। एक ठो संख्या को एक्स मान लेते हैं, एक ठो को वाई मान लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा दोनों का योग, योग माने जोड़, तो एक्स प्लस वाई दोनों का जो योग है, दोनों का अंतर यानी अंतर माने घटाव से, घटाव का 25 गुना है, तो घटाव का 25 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा देखो एक्स प्लस वाई बराबर 25, और एक्स गुना करेंगे 25x माइनस 25, और वाई गुना करें 25y। एक्स एक्स एक तरफ कर दो तो 25 में एक घटेगा, 24x हो जाएगा, एक घटेगा नहीं ये वाला x, और ये 25 में एक x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मान जुटेगा, तो 25 अरे 26y हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 25 अरे 26 क्योंकि माइनस में है तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, या प्लस में प्लस उधर जाकर माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 25 अरे 26, ये उधर जाकर माइनस होगा तो 25 में एक माइनस तो 24। ठीक है, ये समझ जाओ एक समीकरण बन गया है ना। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन कहा है यदि किसी एक संख्या का 75% 80 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो किसी एक संख्या का, तो किसी एक संख्या मान के चलो एक्स का, एक्स का कितना परसेंट 75% दिया हुआ है, एक्स का 75% 18 हो, एक्स का 75% बराबर 18, तो बोला है दूसरी संख्या कितना है, दूसरा संख्या बताना है यानी दूसरा को हम वाई माने हैं तो वाई निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो निकल गया, एक्स माने एक्स का माने गुणा 75% मतलब होता है नीचे 100 बराबर 18, परसेंट हटाओ तो नीचे 100, परसेंट लगाओ तो ऊपर 100, याद रखिएगा। ठीक है, सबको हटाओ तो एक्स निकल जाएगा 18, ये गुणा हो जाएगा भाग है तो, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 500 कटेगा, 5 दूनी 5 का 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 0 0, 5 3 15, 5 4 20, और 3 6 18, तो 6 4 हो गया 24, x आया 24 हैं, x 24 आया, हमको y पूछा है, y पूछा है ना, तो देखो y और x में संबंध कहाँ पर है, यहाँ पर रख देते हैं, ये एक समीकरण आया था ना, यहाँ रख दो 24 x आया, तो x में 24 आया है ना, 6 4 24, हाँ तो x की जगह भी 24 लिख दो, माइनस 26y बराबर 0। अब देखो 26y को उधर कर दो या इसको उधर कर दो, जिसको मर्जी उधर हटाओ, 26y माइनस में है, इसको हटाओ तो माइनस में 24 गुना करो कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 दुनी 8 दुनी 16 और एक 17, 2 दुनी 4 और 5, 576 होगा। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, 26 से काट दे डायरेक्ट, 13 से काटते हैं, 13 दुनी 26, 13 चौके 52, 53 54 55 56 36 हुआ, 13 26 57 56 हुआ, तो से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कट रहा, तो माइनस माइनस काटा, अब इसको दो से ही काट लेते हैं, छोटा कर लेते, उधर कर लेते हैं, ठीक है, काटने में आसानी होगा, वाई बराबर 576/26 ये है, अब इसको काट देना है गले, तो दो से काटो तो दो एक दो, दो तीन छः, दो दूनी चार, दो अठे 16, दो अठे 16 नहीं कटेगा, अब 288/13, 288/13 है आंसर में, नहीं है, भाग दे के आंसर लिखा है, तो भाग देना है 13 से एक 288 को, तो 13 दूनी 26, दो बच जाएगा फिर 28, 13 दूनी 26, दो बच जाएगा तो ये जो बचता ऊपर चल जाता है 13 नीचे, तो 22/2/13, 22/2/13 है बी नंबर में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नंबर क्वेश्चन है सुबोध का इतिहास में प्राप्तांक उसके भूगोल और अंग्रेजी के औसत प्राप्तांक से 20 अधिक है। यदि अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक 60 हो तो भूगोल में उसकी प्राप्तांक क्या होगा। 29 नंबर सुबोध का इतिहास में जो प्राप्तांक है, इतिहास माने हिस्ट्री, एच लिख देते हैं, हिस्ट्री का जो नंबर है भूगोल और अंग्रेजी के औसत से 20 अधिक है, तो भूगोल जियोग्राफी जी लिख दे रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेजी इंग्लिश औसत, औसत माने होता है दोनों का जोड़ बटा दो, तो औसत हो गया से 20 अधिक है बोला, तो 20 अधिक लिख दो। यदि अंग्रेजी में उसका प्राप्तांक इंग्लिश, इंग्लिश ये वाला इंग्लिश ही था, हाँ इंग्लिश ही था, तो इंग्लिश में इसका प्राप्तांक है 60, इंग्लिश में कितना है 60 है, चलो यही लिखे तो ये लिख दो, तो भूगोल में क्या होगा, तो भूगोल में क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, इंग्लिश में 60 है, अगर यहाँ 60 रख देते हैं तो हिस्ट्री का निकलेगा ना भूगोल का, नहीं हिस्ट्री का दिया हुआ था तब है भूगोल का निकाल सकते थे, इंग्लिश का खाली दिया हुआ है तो कोई उपाय नहीं है कि दोनों का निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक डी नंबर ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो क्वेश्चन है ये अपर्याप्त है, क्वेश्चन ने अधूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, तो पलटने वाला बात जब भी करें तो एक्स वाई मानना है, इकाई को मान लेते हैं एक्स,
इकाई को एक्स, दहाई को दहाई को वाई। अब बोले हैं संख्या कैसे बनता है, बहुत बार समझाए हैं, कल भी समझाए थे। संख्या दहाई को ला पहले लिखते हैं, दहाई है तो 10 से गुना होकर लिखाता है, यानी 10y और प्लस इकाई, ठीक है। जैसे 35 को लिखना हो तो 35 को क्या लिखते हैं, 30 प्लस 5 लिखते हैं ना, मैंने 3 को 10 से गुना किए तो 10 या 30 प्लस 5, वैसे ही ये दहाई में है तो दहाई को 10 से गुना करें और प्लस में वो, ये संख्या बन गया। फिर इसको पलटने पर बोला है, पलटने पर, पलटने पर संख्या क्या बनेगा, तो 10 वहाँ चल जाएगा, यानी 10x प्लस वाई सिंगल हो जाएगा इकाई में। तो पलटने पर जो संख्या बनी उसका योग 44 है। अब ये दोनों का जोड़ बोल रहा है 44 है, तो अंकों का योग कितना होगा, ये दोनों का जोड़ 44 है क्वेश्चन में कह दिया, तो जोड़ दो 10y प्लस एक्स, और ये वाला हो गया 10x प्लस वाई, दोनों का योग 44 है। तो चलो जोड़ते हैं 10 और 11 और 10 और 11 दोनों 11 हो गए, 11 को वाई भी प्लस 10 और 11 को एक्स भी बराबर 44। अब देखो 11 11 कॉमन है तो कॉमन निकल जाएगा, तो वाई प्लस एक्स बच गया बराबर इधर 44, तो 11 चौके 44 हो गया। बोला था दोनों का जोड़ कितना है, तो एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स बराबर 4 आया, मतलब दोनों का जोड़ 4। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/8 भाग, ठीक है। 31 नंबर किसी संख्या का, जब भी किसी संख्या रहे तो एक्स, एक्स का मतलब गुना, देखो 3/8 तो 3/8 उसी संख्या का, फिर बोला है कितना है तो उसी संख्या का, तो बराबर लगा देंगे, और उसी संख्या कौन संख्या x, उसी के 3/4 तो k मन का मन वही गुना 3/4 से 36 कम है, तो 36 कम है मतलब -36, तो उस संख्या का 60% क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बोला है वो जो संख्या है उस संख्या का, तो वो जो संख्या को हम x माने हैं, तो x का बोला है 60% कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से कैसे लिखना है, बोला कोई संख्या है उसका 3/8, तो लिख दिए कोई संख्या x उसका 3/8, फिर बोला वो जो है वो उसी संख्या का 3/4 है, तो उसी संख्या है माने x का 3/4 से 36 कम है, तो कम मतलब माइनस, तो -36, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, 3 और x गुणा करेंगे 3x/8 हो जाएगा, इधर 3 और x 3x/4 इधर -36, अब ये 3x/4 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x/8 -3x/4 इधर बच गया -36। अब देखो 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 8 होगा भिन्न जोड़ है ना, 8 से भाग देंगे 8 को, 8 एक 8 एक होगा, फिर एक दिया 3x माइनस 4 दुनिया 8 2 हुआ, और फिर 2 दिया 6x बराबर इधर -36, ठीक है। तो देखो 6 में 3 घटाएंगे, बड़ा में माइनस तो माइनस बचेगा, लेकिन 6 में 3 घटाए 3x -3x बराबर -36 है, ये 8 है इधर आके गुणा हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 का 3 दूनी 6, तो 12 8 96, तो x आ गया 96। अब बोला x का 60% हमको निकालना है, तो 96 आया x, तो x का मैंने गुना 60% मतलब नीचे 100, 0 से 0 कटेगा, 2 3 6 2 5 10, अब नहीं कटेगा तो गुणा करिए, 6 3 18 9 3 27 और 1 28 288/5, तो 288/5 अगर ऑप्शन नहीं होगा तो पॉइंट में हो सकता है, हाँ पॉइंट में है, जिसको भाग दे देंगे तो भाग देने आता होगा, 5 25 25 26 27 28 38 हुआ, 5 7 35 पॉइंट 36 37 38 3 बचा 30 हो जाएगा, 5 6 30 तो 57.6 जहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर में वही हो जाएगा सही आंसर, क्लियर। 32 नंबर क्वेश्चन है 250 का 9/5, तो देखो 250 का 9/5 लिख दे, उसके बाद बोला 9/5 भाग 395 का, ये जो है वो 395 का मैंने गुना 2/5 से कितना अधिक है ना, 395 का 2/5 है, ये 5 से कितना अधिक है ये पूछा है, ठीक है, कितना अधिक है, अधिक कितना अधिक है वो पूछा है हमको, है ना। तो देखो ये वाला 250 का 9/5 और 395 का 2/5 कौन कितना अधिक है वो बताना है। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग। देखो 5 से कट रहा है, 5 5 25 5 0 0 तो ये 9 5 45 कितना हो गया, 9 5 45 एगो 0 450, ये कितना हुआ, तो 5 7 35 36 37 39 4 5 9 45 देखो 9 2 18 7 2 14 15 158। अब कितना अधिक है तो घटाने से पता चल जाएगा, तो घटा के देखिए 0 में 8 यानी 10 में 8 घटाएंगे, 2 5 यहाँ बच के 4 4 में 5 तो 9 3 में 1 तो 292 अधिक है, ठीक है, 292 अधिक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, कोई संख्या बोला, तो कोई संख्या जब भी बोले तो एक्स, ये जो है अपना एक्स कितना क्या है, तो एक्स बराबर एक्स यानी अपना ही,
अपना मतलब एक्स अपने संख्या का यानी एक्स का 47% बोला था, एक्स का 47% से अधिक है, से अधिक माने जोड़ कितना तो 1060 अधिक है, तो वह संख्या कितना है, तो उस संख्या को हम क्या किए एक्स मान लिए, कोई संख्या एक्स है वो कितना है, कितना है यानी कि बराबर किसके बराबर है, तो इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिए, तो ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में कह रहा अपना 47%, तो खुद का 47 यानी खुद एक्स है, एक्स का 47% से 1060 अधिक है, तो अधिक मान लीजिए जोड़, ठीक। अब देखो एक्स का मतलब गुना 47 से गुना कर देते डायरेक्ट, 47 और एक्स गुना हुआ 47 एक्स, और नीचे 100 हो जाएगा परसेंट है, तो प्लस 1060 इधर है एक्स, ये एक्स वाला इधर लाएंगे तो एक्स माइनस 47 एक्स बटा 100 बराबर इधर बच गया 1060, नीचे कुछ नहीं थे एक, अरे 100 का 100 यहाँ गुना होगा तिरछा तिरछा गुना भिन्न जोड़ 100 एक्स, और 100 में 47 घटा देंगे तो 100 में चलो एक बार लिख दे रहे 100x माइनस 47x और नीचे हो जाएगा 100 बराबर इधर 1060, 100 में 47 घटाओ तो देखो 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ 9, 9 में 4 घटाएंगे 5, 5 चार 9 93.x, और 100 उधर जाके गुना होगा 1060 गुना 100, अब ये कटेगा हाँ 53 से कट रहा है, 53 दूनी देखो 53 दूनी 106 अरे वो 0, फिर बच गया एक्स 20 और 2 0 तो 2000, ठीक है तो 2000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कोई संख्या अपने, कोई संख्या तो वही एक्स, अच्छा ये तो हो गया 34 नंबर कोई दो अंकों की एक संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, दो अंक का संख्या है, देखो जब भी दो अंक का संख्या रहेगा तो अगर उसको पलटने की बात करें अंकों को बदलने पर, अंकों को परिवर्तन करने पर, तब उसको जो पहले बताया कि 10x प्लस वाई या 10y प्लस x करके संख्या मानना है, तो जब पलटना रहे तब, और इसमें पलटने उलटने का बात नहीं कहा है, इसमें सीधा बोल दिया है कि कोई दो अंक का संख्या है उसका 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है तो उस संख्या का योग क्या होगा, संख्या का अंकों का योग क्या होगा, तो संख्या को हम x मान लेंगे सीधा सीधा, वाई मानने की इसमें जरूरत नहीं है, पलटना रहता तो एक्स वाई दोनों मानते, ठीक है तो एक संख्या x मान लिए, दो अंक संख्या x, इसका बोला 3/4 तो का 3/4 मतलब 3/4 उसके जो है किसके तो x के ही 2/3, 2/3 मतलब 2/3 से 8 अधिक है, 8 अधिक है तो अंकों का योग निकालना है, ठीक है योग अंकों का, तो चलो देखते हैं 3 और x 3x हो गया 4, ये 2x/3 इधर आके माइनस हो जाएगा 2x/3 बराबर 8 बज गया, ये तिरछा गुणा करिए 3 3 9 और इधर हो गया 4 2 8 तो 9 में 8 घटा देते हैं डायरेक्ट x बचेगा नीचे 4 3 12 बराबर 8 तो 12 8 96 हो जाएगा तो x बराबर 96, ठीक है अब उस योग बोला है तो 96 मतलब 9 और 6 का योग 9 और 6 15 हो गया आंसर, ठीक है डी नंबर में है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं फटाफट, 35 किसी संख्या बोले एक्स, एक्स का 4/11 भाग उस संख्या का यानी उस संख्या मैंने एक्स का एक्स से 49 कम है तो 49 कम कर दो तो वह संख्या क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक्स इधर आएगा 4x/11 माइनस एक्स नीचे कुछ नहीं तो एक बराबर इधर 49 ये तिरछा तिरछा गुणा करो 11 1 11 और इधर 4 1 4 तो 11 में 4 हटा देंगे 7 बचेगा माइनस बढ़ा में इसलिए माइनस 7x और नीचे 11 बराबर 49 माइनस से माइनस कटेगा 77 49 होगा और उधर जाके 11 77 77 होगा आंसर, ठीक है डी नंबर में ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/8 किसी संख्या मतलब वही एक्स का 3/8 और 2/3 भाग का योग माने जोड़ कितना का तो उसी का 2/3 एक्स का 2/3 का योग उसके फिर बोला उसके माने एक्स के माने गुना उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है तो प्लस 57 उस संख्या के अंकों का अंतर यहाँ निकालना है अंकों का अंतर है ठीक है अंतर निकालना उसको लिख देते हैं चलो ध्यान से ये बोला किसी संख्या का 3/8 और उसी संख्या का 2/3 का योग है योग माने जोड़ है कितना तो उसी संख्या का 1/4 से 57 अधिक है ठीक है अब देखो एक्स एक्स गुना कर पाले 3x/8 प्लस 2x/3 वो वाला भी इधर ले आओ एक्स का 1/4 माइनस होगा बराबर उधर 57 अब देखो सबका एलसीएम निकालेंगे तो 8 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 2 8 4 का 4 4 2 8 3 24 24 हो जाएगा ठीक है एलसीएम निकालने आना चाहिए 8 3 4 एलसीएम निकाल दो ये 4 से कट रहा 2 तो 4 2 8 3 उधर जाएगा
4 का 4, फिर 2 3 6 4 24, 24 आ गया एल्शियम। अब एल्शियम 24 आया तो नीचे वाला से भाग देते, हर से भाग देते एल्शियम को, तो 8 3 24 3, फिर ऊपर 3 3 9, प्लस 3 8 24 8 2 16, माइनस 4 6 24 6 1 6 x बराबर इधर 57। देखो 16 में 6 घटा दो, 16 में 6 खत्म, 10 बचे 10 9 19 x, ये 24 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो गुणा 24, 19 2 19 कितना होता है, 19 3 57 होता है, तो एक्स बराबर हो गया 3 4 12 3 2 6 1 7 72। बोला अंकों का अंतर निकालना, अंतर मैंने घटाव होता है तो घटा दो अंकों को, तो 5 आंसर, ठीक है। 36 नंबर का कौन सा ऑप्शन, ए होगा ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर, किसी दो अंकों की संख्या, दो अंक का फिर संख्या है उसका 9/10, पलटना नहीं है तो एक्स ही मान लेते हैं, और एक्स का 9/10, एक्स का 9/10 उसी संख्या का, उस संख्या का यानी एक्स का 7/9 से 11 अधिक है, तो उस संख्या का अंकों का गुणा निकालना, पर अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो देखिए 9x/10 वो वाला इधर आके 7x/9 = 11। अब देखिए 9 9 81 x - 10 70 x/, ये हो जाएगा 10 9 90 = 11, 81 से 70 घटा 17 81 11 x/90 को हटा देते हैं यहाँ से, 11 × 90 हो जाएगा, तो देखो 11 से 11 कटा तो x = 90। अब 90 का बल अंकों का गुना गुना, तो 9 × 0 करो 0 हो जाएगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर देखिए, किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 नहीं 5 है, तो एक संख्या x मान लेते हैं, x का 2/5 भाग उसका यानी उसी का भाग, अच्छा भाग का बोला, भाग का मान फिर से गुना का मान गुना 20% उस संख्या का, उस संख्या माने x का ही, x का 12% के बराबर है, x का 12% देखो बोला कोई संख्या का 2/5 का 20%, तो कोई संख्या लिए x का 2/5 फिर का है तो का मान गुना 20%, बोला उस संख्या का 12% है तो उस संख्या माने x का मान गुना 12%, ठीक। चलो 2 और x 2x/5 गुणा 20, नीचे कुछ नहीं, नीचे परसेंट हटावे तो 100, इधर हो गया 12 और x गुणा कर 12x, नीचे 100, 100 से 100 कटा 5 4 20 और 3 4 3 12, ये हो गया, ये x से x भी कट गया। अब देखिए आ गया 2/3, अब 2/3 है, 2 3 के बराबर है नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन क्या है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्यों समझ आ रहा, एक्स भी कट गया तो एक्स का मान कहाँ से निकलेगा, एक्स भी कट गया खुद है तो। 39 नंबर, दो कर्मागत संख्याओं का वर्ग, क्रमागत संख्या रहे तो एक्स एगो अरे हो जाएगा एक्स प्लस वन, क्रमागत में लगातार उसका वर्गों का योग बोला है 313 है, 313 है, तो उस उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग निकालना, योग माने जोड़ है, ठीक है। दो संख्या बाबू तो देखो ध्यान से, पहला संख्या होगी एक्स मानने का, दूसरा को एक्स प्लस वन, क्यों ऐसा, क्योंकि लगातार है, लगातार माने एक बढ़ेगा तब आगे का आएगा, और दोनों का वर्ग बोला है तो वर्ग कर दो ऐसे स्क्वायर, और वर्ग का योग भी बोला है तो यहाँ जोड़ लगा देंगे, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर हो गया 313, x² जोड़ो 2x² हो जाएगा प्लस 2x, और ये 313 में एक घटेगा तो -312 बचेगा बराबर 0। अब ये बन गया कैसा, दो कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, 2 कॉमन तो x² + x - 2 × 2 = 2 5 = 10 2 6 = 156 = 0। अब क्या हो जाएगा x² + x - 156 = 2 गुना में है उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब हमको x का मान निकालना, ये द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण के लिए 10वां क्लास का पढ़े होंगे 2.2 या 4.2, उसी का क्वेश्चन आ गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करते फिर तोड़ते हैं, तो गुणा करेंगे फर्स्ट लास्ट को, तो 156 x², अब इसको तोड़िए तो कितना होगा, इसको नहीं तोड़ने जानिएगा तो ऐसा करिएगा एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है, 156 का गुणनखंड कर दीजिएगा, 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 फिर 13 3 39, तो देखो 2 2 4 और 3 गुना करें तो 12 × 13 12 × 13 गुना करेंगे तो 156 होगा, और 12 में 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 x लाना है 1 आ जाएगा, ठीक है, तो उसी का काम है, तो यहाँ लिखेंगे x² + 13x में 12x घटाएंगे -156 = 0। यहाँ देखो कॉमन निकलेगा x, तो x प्लस 13 बच जाएगा, यहाँ 12 माइनस में तो 12 कॉमन निकाल, तो यहाँ x प्लस 13 यहाँ भी बच जाएगा बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर हो जाएगा -13, तो माइनस का काम नहीं करना है हमको, प्लस वाला लेना है, तो प्लस वाला आ गया 12, ठीक,
तेगो 12 है तो अगला क्या हो जाएगा 13, तेगो 12 है तो एक्स प्लस वन है ना अगला, तो अगला 13, और बोला उसका योग कितना होगा, तो 12 और 13 हो जाएगा 25, ठीक है, तो 12 और 13 हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, यदि यदि फोर और एगो स्टार लगा हुआ है, स्टार 3 8 -1 3 9 9 बराबर 2 8 3 9 है, तो स्टार का मतलब स्टार जो लगा हुआ है यहाँ पे इसका कितना वैल्यू होगा वो बताना, ठीक। ये 8वां क्लास का क्वेश्चन, किताब जेसीआरटी बुक 5.1, उसके जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए घबराना नहीं, घटाओ है सिंपल सा, तो ये माइनस है ना बाबू, अब इसमें कितना रखें कि इसको घटाएंगे इतना आएगा, उतना नहीं पता चल रहा है, माइनस उधर कर दो तो उधर जाकर क्या होगा प्लस होगा, तो 28 39 पहले से उसमें प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दो, नहीं सब बच्चा वाला ऊपर नीचे लिख के 9 9 18 8 9 3 12 1 13 8 3 11 1 12 2 3 4 तो कितना होंगे 42 38, यहाँ देखो 4 38 है 42, दूसरा नंबर वाला पूछा था तो दूसरा स्टार है, स्टार में क्या आया 42, तो 2 आया तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या जिसके वर्गों का योग इतना है तथा उसके गुणनफल इतना है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। देखो दो संख्या इसमें बोल दिया, लगातार नहीं बोला, तो उसको एक ठो को एक्स मानना होगा, दूसरा को वाई। अब दोनों संख्या को वर्गों का योग, दोनों संख्या के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को वर्ग लगा दिए, इसका योग, इसका योग बोला है 3 5 5 7 है, और उनके गुणनफल, गुणनफल माने गुणा एक्स गुणा वाई, गुणनफल 6 1 6 6 6 है, तो उन संख्या के बीच कितना का अंतर है, मतलब एक्स माइनस वाई निकालना है, घटाव निकालना है दोनों का, तो समस्या है, कोई समस्या नहीं, माइनस निकालना है ना, तो एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस या माइनस से प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, तो ए बी की जगह एक्स वाई, इसलिए एक्स वाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई निकालना है, छोड़ दो, एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह है 3 5 5 7 माइनस 2 xy, एक्स वाई की जगह है 1 6 6 6 रख देते हैं, यहाँ हो गया 3 5 5 7 माइनस, गुणा होगा 2 6 12, 2 6 12 1 13, 2 6 12 1 13, 2 1 2 3, 2 1 2 3, घटा 7 में 2 घटा 5, 5 में 3 घटा 2, 5 में 3 घटा 2, 3 में 3 घटा कुछ नहीं, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाकर रूट, तो बच गया एक्स माइनस वाई, हमको निकालना था एक्स माइनस वाई, अब ये 225 किसका रूट आता है 15 का, हो गया खत्म कहानी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है लास्ट, देखिए क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्या है, सम संख्या बोला है, सम सम संख्या मतलब एक्स एगो होगा तो एगो होगा एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 का सम संख्या 2 4 6 8, तो दो दो बढ़ने से आएगा, दो दो बढ़ाने से, तो इसलिए एक्स और एगो एक्स प्लस 2, दोनों का गुणनफल बोला, गुणनफल मैंने गुणा लगाएंगे यानी ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसा, दो अंक है, तो दोनों का गुणनफल 1848 है, तो उन संख्या का योग कितना होगा, योग माने जोड़ कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। तो देखिए गुणा अगर एक्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 और x 2x हो गया, उधर वाला इधर आएगा, 1848 = 0, फिर से फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, तोड़ो मोड़ो है ना, कॉमन निकालो, इस तरह से करते हैं, द्विघात समीकरण आ गया, या एक फॉर्मूला होता है 4.2 में पढ़े होंगे, 4.23 में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वाला फॉर्मूला, मूल निकालने वाला फॉर्मूला जो है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन आसान होगा, आसान होगा एलसीएम वाला, इसका एलसीएम करके देख लेते हैं, दो भाग में तोड़, 2 9 18 2 4 2 4 8, 2 4 8 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4 2 3 6, 2 1 2, 3 2 5 1 6, 3 से कटेगा 3 7 21, 22 23, 3 7 21, फिर 7 से काटते 11 7 77, अब इसको ऐसा गुना करो कि दोनों को जोड़ने घटाने से 2 आए, तो 2 2 4 2 8 24 ले, 24 11 77 77, बहुत हो जाएगा, कैसा करें, 7 21, 11 2 22, 11 22 2 44, 21 2 कितना 42, हाँ देखो ऐसा हो रहा है, 11 2 22 2 44, 44 होगा गुना, इधर गुना के 7 21 21, और ये 2 को गुना कर तो 21 2 42, अब 42 और 44 है, 42 44 गुना करने से तो वही आएगा 1847, और 44 को 44 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x - 42x - 1848 = 0, अब कॉमन निकालेंगे तो x निकल गया, x प्लस यहाँ बच गया 44, यहाँ से 42 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 44 = 0, ठीक है।
अब x प्लस 44 बराबर 0 और इधर x माइनस 42 बराबर 0, तो यहाँ आ गया x बराबर 42 और ये आ गया x माइनस x बराबर माइनस 44। तो माइनस को नहीं लिखना है, 42 को लिखना है, प्लस को, ठीक है। अच्छा, योग बोला, अंकों का योग, देखो 42 आया, x माने थे एक 42 और 42 प्लस 2 यानी 44। अभी दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो तो 42 और 44 86, ठीक है, 86 हो जाएगा। 86 तो ऑप्शन नहीं, हाँ हाँ सी नंबर में, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन हुआ, 42 क्वेश्चन संख्या पद्धति से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं फटाफट, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इन सभी चीज़ों को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन को कराएंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहे, ज़्यादा लोग रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, एक महीना का समय है, बस सितंबर में एग्जाम नहीं होगा लेकिन अक्टूबर में होगा, है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में जुट जाए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।